दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम आए हैं त्रिपुली रामदेव कॉलोनी श्री गंगानगर के पास में। और इस मिट्टी से ये घड़े के बनने तक का सफर हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस मिट्टी का यूज करते हैं, कितना टाइम लगता है, कैसे इसको घड़ते हैं, तो हम सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो राजेश जी हमारे साथ में, तो हम इनसे काफी इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। तो जैसे दो कलर हैं ये, वो यू है ना, तो वो किस वजह से है? इसका रेसा थोड़ा ज्यादा बढ़िया है, यानी कि इसमें चिकनापन, जो चिकनाहट, अच्छा चिकनापन इसमें ज्यादा, उसको थोड़ा कम है। हाँ, मिट्टी ये अलग अलग होती है, बस ये है हम ठंडी मिट्टी यूज करते हैं जितना उसके, तो हम जितना कोशिश यूज करते हैं कि मिट्टी का कलर से हमें कोई लेना, जितना होता है ठंडा पानी हमारे घर से जो भी पूरे मटका चौक में जाता है मटका, तो वो ठंडे पानी से ही जाता है, क्योंकि हमारी मिट्टी में ठंडा पानी रहता है। तो राजेश जी, ये क्या चीज है? ये मिट्टी की गाल, जैसे अपने आटा छानते हो उसी तरह छानने के लिए। अच्छा, तो मतलब किस तरह से इसमें छानते हो फिर मिट्टी? देखो जी, ये मिट्टी है ना, उसमें कांकरे, यानी जिसको आप, हाँ, मोटे मोटे कंकड़ है उसमें, ठीक है, तो वो मटके में पानी लीक होगा ज्यादा। अच्छा, तो उसको फिल्टर करने के लिए पहले मिट्टी इसमें पानी डाल देंगे, फिर ये मिट्टी डाल देंगे इसके अंदर। अच्छा, ताकि ये छाननी, यहाँ लगा के इसकी ब्रिक है, ये तो बड़ी एक और पड़ी है ब्रिक, वो इसके अंदर वो यहाँ पे रख देते, फिर इसमें घोल के निकाल देंगे, आ जाए यहाँ बेला हो जाएगा, उसके बाद वो थोड़ा सा नरम होगा, फिर ये मिट्टी डाल के आटे की तरह गूंद देंगे, उनके सारा वहाँ ढेर लगा देंगे जैसे। अच्छा, उसके मटके तैयार। उसको अच्छे से मिक्स करो, अंदर बैठ के करो, इसमें दिमाग घूमिए, खा लो आप, मजा आ रहा तेज। तो दोस्तों, ये मिट्टी पूरी तरह से घुल चुकी है इसमें, और अब यहाँ से छानेंगे इसको, जो भी कुछ इसमें कूड़ा कबाड़ा है वो सब बाहर निकालेंगे पूरी तरह। बेटा बाजू अच्छे से ऊपर करो, देखो ऐसे नहीं, मजा आ रहा है देखो। हाँ, खा ले बेटा थोड़ी सी मिट्टी, बस देखो साफ मिट्टी यहाँ पर निकल गई है। अब इसमें और सूखी मिट्टी मिक्स करेंगे और फिर इसको एक आटे की तरह गूंद देंगे। तो दोस्तों, ये मिट्टी है और अब ये मिट्टी को गूंथेंगे। दियो गूंथ लो बेटा। तो गूंथने के बाद में फिर रखते भी हो या फिर साथ ही साथ यूज हो जाती है? रखनी पड़ती है। यही सीख लो यार, आटा गूंथना फिर तुम इसी तरह। आप सीखो। ये बना दिया इन्होंने। अच्छा, ये बना दिया। तो अभी हम आपको चाक पे ले चलते हैं और वहाँ आपको दिखाएंगे कि जो घड़ा है उसको कैसे बनाते हैं, कैसे शेप देते हैं। तो चलिए, हमारे साथ में बने रहिए। तो कितने दिन से काम करें भैया आप? 14 साल। अब ये मटका बन गया, मटका अब सूखेगा, ये सूखेगा, सूखने के बाद, यानी कि मान लो ये कम से कम 2 घंटे धूप में रहेगा, उसके बाद इसको थापियों से घड़के बड़ा किया जाए इस तरह। हाँ, अजय ढकनी बना रहे हैं। बच्चों को भी तुम बताते हैं, ये बेटा कच्ची उम्र में कोई भी शेप दी जा सकती है। हाँ, और एक बार पक गए तो फिर वही शेप रहेगी। तो दोस्तों, ये देखिए कि ये अभी बनाया है चाक पे, और 2 घंटे के बाद में जब थोड़ा सा सूख जाएगा तो फिर इसको एक इस तरह से गढ़ा जाएगा, शेप दी जाएगी, तो ये वाला आकार का आ जाएगा। दीवा पहली बार देख रही होगी? मैं पहली बार देख रहा हूँ, मन था बहुत दिनों से देखने का।
एक्चुअली धागे से निकालते हैं शायद इसको। अच्छा, नीचे अलग करने के लिए आप धागे का यूज कर रहे हो? ये कटता नहीं है ना इसे? अच्छा, कटता नहीं है, धागे से कट जाता है। ओके, अब यू है ना, इसको यहाँ से कट डालना, हल्का ज्यादा नहीं डालना, फिर इसको मुझे ना यू कट करना। इतना आसान नहीं है त्यागी जी। और ये पूरी गीले करने पड़ेंगे आपको। हाँ, बार बार गीले करो हाथों को। यार हंसो तो मत, ये एक सेकंड रुक जाओ। ये अलादीन का चिराग बन गया। और ये एक बार फिर से ट्राई करती हूँ त्यागी जी, कैसा लग रहा है? ये क्या मिल गया? मैं इसको तो बहुत आ रहा, पर पता नहीं। अच्छा, कितना टाइम लग गया था आपको सीखने में? 4 साल। 4 साल, वो ये इतना आसान नहीं होता है कोई काम। दोस्तों, इनका भी अपना चैनल है, राजेश RDL, तो आप सर्च कर सकते हैं। और ये कुछ बच्चे भी आए हुए हैं। तो आप भी देखने के लिए आए हो? ओके, तो पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? कौन से स्कूल में? सरकारी। तो एग्जाम चल रही है अभी? तो संडे मना रहे हो आज? तो है पतंग उड़ा रहे हो? यस मैम, यस मैम। मैथ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। ओह वाओ, क्या बनोगे फिर बड़े होगे? अभी नहीं सोचा। साइंटिस्ट। अच्छा, साइंटिस्ट बनोगे। चलो बेटा, अच्छे से मेहनत करो। इन बच्चों से मिलके बहुत मजा आया। और इनको साथ में ले जाओ। साथ में ले जाए। चलो चलो, बाय। क्या बनाया आपने ये? अच्छा, किचन सेट। लो बच्चों को किचन सेट ज्यादा अच्छा लगता है। मस्ती हो रही है तुम्हारी है? तो ऊपर चढ़ो, ऊपर से स्लाइड करते हुए आओ। क्या कर रहे हो? पापा, ये देखो, यहाँ से ये हाथ भी आ सकता है। ये तो ये है दूध के लिए, और इसमें अगर दूध गर्म करके इसमें डालेंगे वो धीरे धीरे रड़कता रहेगा। तो कितना किलो दूध आ जाएगा इसमें? आ जाएगा कम से कम 30 से 35 किलो। तो दोस्तों, अब ये घड़े को गढ़ रहे हैं। अच्छा, पहले मैं सोचता था कि चाक से ही ऐसे निकलता है, बनता है सीधा ही घड़ा बन जाता है। हमें नहीं पता, इसके बाद पहले इसका नमूना बनाना पड़ता है। अच्छा, बाद हाथ की कला करती है सारी, फिर हाथ की कला कर रही है, इसको गढ़ना बोलते हैं। हाँ, और अभी भी ये भी दो बार में होगा ना अभी? हाँ, दो बार में बनेगा ये भी। अच्छा, तो इसके बाद में फिर सुखाएंगे? हाँ, फिर थोड़ा कितनी देर के लिए? घंटे घंटे बाद में धूप रहे, वो घंटे लग, सात घंटे लग सकता है। अच्छा, बाद तैयार हो जाता है। गर्मी में पूरी तरह से तैयार है वो? गर्मी में तो ये 15 मिनट लगेगा आपका। ये लो, इसको बताओ, इससे ये थापी बोलते हैं इसको। अच्छा। पिंडी 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 का अंदर ये डाल रखा है, ये बोलो आप। तो दोस्तों, जो इसको जो अंदर से ऊपर की तरफ पुश किया जाता है, और इसको बाहर से अंदर की तरफ चोट मारी जाती है, तो ताकि वो एक शेप आ सके। अच्छा, फिर ये मतलब शेप देने के लिए? हाँ, ये देखो। अच्छा, इसको तो झेला नीचे वाले को। ओ, अच्छा, तो अभी कितनी देर के लिए रखना? 15 से 20 मिनट। तो ये 15-20 मिनट के बाद में इसको फिर जो नीचे से फिर एक शेप दी जाएगी, और उसके बाद में फिर ये प्रॉपर शेप में आ जाएगा। तो चलिए, अभी थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, अब ये मटका सूख चुका है, और इसको फाइनली शेप दी जा रही है। अच्छा, ये पूरी तरह से तैयार हो गया है।
तो अभी कितनी देर सूखेगा? अच्छा कल शाम तक सूखेगा, उसके बाद में फिर इसकी पकाई की जाएगी। तो दोस्तों मैं राजेश जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें इतना कोऑपरेट किया, इतनी इंटरेस्टिंग हमें जानकारी दी, और जो आपने जो विनोद जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों दूसरी वीडियो में हम आपको इसकी पकाई और इसकी डिजाइनिंग वगैरह वो हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में इतना ही हमारी तरफ से हिसाब किताब रखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इनकी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।